क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। शो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल खींचेंगे ए बी सी डी, ये हमने एक रेक्टेंगल खींच लिया ए बी सी डी। अब चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगे और ये एक डायगोनल है ए सी, और इसमें दिया गया है कि ए सी जो है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, और साथ ही साथ इसको अगर हम एंगल y मान लें तो ये एंगल भी y होगा। नाउ वी कैन सी दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, हेंस एंगल बी ए सी यानी ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए, इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ पे प्रूव हो गया दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल वाई को हटा देते हैं और इसकी जगह पर एंगल एक्स लिख देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज साइड अपोजिट टू एन इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल को देखिए, ए डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखिए ये प्रूफ हो गया दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, और चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती ही है। However, AD is equal to BC, AD और BC आपस में बराबर होंगी और AB और CD भी आपस में बराबर होंगी because both are opposite sides of a rectangle, और हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं that BC is equal to AB। अब देखिए AD is equal to BC and AB is equal to CD, तो ये एंड हट के बीच में equal to आ जाएगा और ये हो जाएगा AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, यानी ये चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी। देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी रेक्टेंगल की सभी साइड्स आपस में बराबर हो तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट भी इसका प्रूव कर लेते हैं, सबको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हेंस ये सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी। अब हम बी को डी से मिला देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड इन ट्रायंगल सी डी बी, ए डी बी एंड सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ए डी इज इक्वल टू सी डी क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपस में बराबर होंगी, एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी और सी बी भी आपस में बराबर होंगी बिकॉज बोथ आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एंड डी बी इज इक्वल टू डी बी बिकॉज ये कॉमन है। अब देखिए साइड 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 साइड, दोनों ट्राइंगल्स में साइड 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 आपस में बराबर है, हेंस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी बाई साइड 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 रूल, और उस तरह से एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड सिमिलरली एंगल ए बी डी यानी ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दैट मीन्स बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी।
देखिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया।